तो मुझे बताओ सब लोग कौन कौन ने 4G पावर ऐसी निकाल के लगाई है? यस सर, लगाइए। यस सर, कल कौन कौन 4G CPU लगा निकाल के लगाने वाला है? देखो कॉन्फिडेंस, ठीक है, लगाने वाला है। आज IC आइडेंटिफिकेशन की क्लास है, देखते हैं। बताओ भैया किस किस को समझ में आया आज IC क्लास? आया सैमसंग की बात करूँ, मीडियाटेक, कॉलकॉम, WTR के ऊपर भी अगर कोई IC ढूंढने को बोलूँ तो ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकता है। बताओ पावर, सब पावर, वाईफाई, ऑडियो, ये ढूंढ सकते हैं? और IC के अंदर आइडेंटिफिकेशन, IC का पैड कौन कौन पढ़ सकता है? कौन कौन पढ़ के यहाँ पर दिखाएगा अभी शाम की क्लास में? लाइव मोबाइल से देव सर, मतलब IC की हर एक एक चीज के बारे में, कौन से IC को कैसे पहचानना है, उसी कोडिंग कैसे करना है, किस चीज की IC है, ये सब आज देव रतन सर ने बताई। और देव सर ने आज एक बात और अच्छी बोली कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 2 साल अगर सोच रहे कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके मैं वो आगे दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर जो ऐसा सोचता है कि जिसको 2 साल में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा एशिया टेलीकॉम है, वो दोबारा उसके आगे कभी सोचेगा नहीं कि मेरे को कुछ काम चेंज करना है करके। हमारे साथ है 28 जनवरी की बैच। यस सर, क्या क्लास की भाई सवेरे हमारी पावर आईसी निकाल के वापस से बोर्ड चालू किया आपका? यस सर। किस किस ने करा? हमने भी किया सर। कोई बचा है क्या? नहीं सर, कोई भी बचा है? नहीं सर, चलिए ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आपका? क्या बोलेंगे आप आज सवेरे के क्लास में? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हम इधर काम सीख रहे हैं, हाँ, तो काम सीख के हमें ये नॉलेज मिल रहा कि कई बार हम ऐसे फोन थे वापस दे देते थे, आज हम सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा ऐसे कि वापस नहीं जाएगा कोई भी। आपको टेक्निक कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया। श्रीदेव सर के साथ तो आपने उम्मीद करी थी कि ऐसा ये सब कुछ मिलेगा आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब सर इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मिल गया सर। पहले ऐसा होता था, अगर मैं काम करता था तो अक्सर कुछ फ़ोन वापसी देने पड़ते थे जिसमें मुझे गूगल से या यूट्यूब से देखना पड़ता था, कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे। और आज दोपहर में क्लास थी आपकी देव सर के साथ IC आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन अब किसी भी देखने का नज़रिया बदला कि नहीं? आप पूरा बदल गया सर, बदल गया। मेरा नाम है परवेज अहमद सोफी, मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मैं एशिया टेलीकॉम में अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सुबह क्लास में हमने 4G पावर IC निकाला, वो भी चलते हुए फ़ोन का, फिर उसको फिर से लगाया तो चल गया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हमारे साथ देवरत्न सर की क्लास थी, उसने IC आइडेंटिफिकेशन बता दिया। अभी हम 80% ICs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसा ही नहीं कि आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें जो डाटाबेस है जैसे कि पैड्स वगैरह लगे हैं, पैड्स का भी नंबरिंग वगैरह सिखा दिया सर ने। उसके बाद हम लैब में आ गए, लैब में तो तब से अभी तक हम वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें जो भी है। और अभी हम सर आपने अभी समझाया कि ट्रैक ट्रेसिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आज हमारा ये IDO सेक्शन हो गया, वो उसमें ट्रैक ट्रेसिंग आपने आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं। और इतना जल्दी ये रिपेयरिंग सीखने आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी। और दोपहर में देवरत्न सर ने इतना अच्छे तरीके से IC को पढ़ना बताया, ICO के बारे में, 80% IC तो हम देख, अभी तो हमको ये नहीं पता था कि ये IC क्या है, अब हम IC देख के बता देंगे ये काम क्या कर रही है, कौन सी IC और क्या काम कर रही है। 3 के बोर्ड में हम रिसीवर ट्रेस कर रहे थे, तो आपने क्या बोला कि सर यहाँ तो PM होगी या WCD IC? सीधे सर, आपने सीधे बोला ना? यस सर। मैंने आपसे पूछा भी और आपने उसका आंसर भी दिया। यस सर, है ना, तो हमारा नजरिया बदला ना, हमको देखने का समझने की शक्ति बढ़ी ना हमारी। अब कोई भी फॉल्ट, अभी इसको कोई भी फॉल्ट आता है ये पकड़ लेंगे किस IC से होगा, किस लाइन से लाइन कहाँ जाएगी कैसे, और वहाँ वो कौन से उसमें कैपेसिटर या कुछ भी लगा कॉइल वगैरह, तो कौन से वो क्या काम कर रही है और कहाँ तक जाएंगी, ये सब एक बार में देख के बता। आपने ICU की कोडिंग करी है? आप यस सर, कोडिंग करी है आपने? एक पेड को पढ़ के आपने नंबरिंग करी है उसकी? यस सर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। IC आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, इसमें उन्होंने पूरी ICU को हमें विथ डायग्राम विथ प्रैक्टिकल बताया कि ये कैसे ट्रेस की जाती है और कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी IC मिलती हैं, किस किस कॉलकॉम का या सैमसंग का जो भी IC होता है, उस सारे आइडेंटिफिकेशन बताया। आप CPU से कोई सी भी IC आप CPU देख के बता सकते हैं? हाँ सर, सारी IC बता सकते हैं सर, और सारे IC में देख के बता सकते हैं, कोडिंग सारे ने सब ने सब बता दिया, कौन सा IC में क्या कोड होने से क्या होता है, कौन सा CPU होता है, कौन सा RAM होता है, सारे पता लग जाते हैं।
देव सर ने इस तरीके से बताया ऐसे कि सिर्फ किसी भी देव के बता सकते हैं ऐसी कौन सी लगी हुई सारी चीज समझ में आई आपको एक बार आपने उसी का प्रैक्टिकल कराया यस सर है ना ट्रेसिंग भी किया आपने यस सर सब समझ में आया ऊपर में हमारे देव सर के साथ जो क्लास थी उसमें जितनी भी आईसी होती हैं उनके साथ कौन सी आईसी लगी होती है इन्होंने बताया है ओके शाम को फिर प्रैक्टिकल हुआ है जिसमें सर ने बताया कैसे हम लोग ट्रेसिंग करते हैं कोई भी कंपोनेंट्स है वो कहाँ एंडिंग उसकी कहाँ तक होती है वहाँ तक सर ने हमें बताया है सारी चीज एंडलेस हो रही है आपके जी सर एंडलेस आप आईसी की कोडिंग कर रहे हो यस सर स्कीमेटिक बना रहे हो यस सर है ओके बाद में फिर देव सर के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इसमें से 80% सर हम लोग ने आईसी पूरा पहचानने में उसके बाद रात में आपकी क्या क्लास थी रात में सर प्रैक्टिकल था वो MI Note 4 का पूरा बॉल बनाए 12x12 144 बॉल उसमें से रिसीवर में से देखना था कि कहाँ से आ रहे हो पहले ऐसे एकदम एंडलेस तक का जी सर मिला आपको हाँ सर आज इतना अच्छा लगा आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मन नहीं कर रहा कि अभी चले जाए अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है दो दिन तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था पर आज बहुत मजा आया मैंने तीसरे दिन में लाइव फोन का पावर आईसी निकाल के उसको फिर से वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से उसको रिवॉल्व करके फिर से वापस से उसको फिक्स करके ऑन किया सर उन्होंने आईसी आइडेंटिफिकेशन सिखाया वो इतना बढ़िया तरीके से सिखाया कि हमारे पास स्कीमेटिक भी नहीं हो तब भी हम पहचान सकते हैं पहचान सकते हो आइडेंटी कर सकते हो कि आपकी कौन सा पहचान सा ऐसी लगा 80% पहचान चलिए ठीक है और शाम को भी प्रैक्टिकल हुआ आपका जी 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 सर तमिल सर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हूँ क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं तो निकल रहा हूँ कौन सा फोन है ये MI Y1 जी तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं क्या कर रहे हैं भैया आज रिसीवर का सप्लाई चेक कर रहे हैं आज हमारी आईसी की क्लास थी आईसी आइडेंटिफाई कैसी रही आईसी आइडेंटिफाई क्लास बहुत बढ़िया रहा सक्सेसफुल हुआ सब कुछ आईसी देख पहचान जाएंगे भी कौन सी आईसी लगी पूरा पहचान
अच्छा, बोर्ड में कोई भी एक आईसी छोटी सी बड़ी आईसी सब बता पाएंगे? सब बता देंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? आज आईसी की क्लास थी हमारी, कैसी रही आईसी क्लास? सारे आईसी देख करके पहचान जाएंगे? आप फीस के लिए कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें कॉल करिए और आपको पता चल जाएगा। चलिए क्या कर रहे हैं भैया? सर ट्रैक ढूंढ रहे हैं। आज हमारी ऐसी क्लास थी, कैसी रही ओवरऑल ऐसी क्लास? बहुत अच्छा था सर, ऐसा समझ में आया। हाँ, 4G फोन बनाया जियो का, पावर आईसी निकाल के और फिर से वापस से चल। नहीं, फिर उसके बाद आईसी आइडेंटिफाई क्लास थी। बहुत कोई भी आईसी होगी ना सर, एक ही दिन में टोटल A to Z आईसी पहचान जाएंगे, देख के पहचान जाएंगे। क्वालकॉम CPU, मीडियाटेक CPU। ओके, क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक कर रहे सर। कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, क्लास थी हमारी। हाँ सर, लाइव 4G, उसके बाद आईसी की थी, आईसी आइडेंटिफाई। तो सारा आईसी देखकर पहचान जाएंगे सर, अभी पहचान सकते हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। क्या कहते हैं? ये जो इस साइड हो गई है, सब ट्रेसिंग करना देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हो? सर सुबह जी ट्रेसिंग। किसकी क्लास थी आज हमारी? सर आज मेरी खा लिया ना, खाना 6 बजे। क्या कर सर? टेस्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आज हमारी आईसी क्लास थी? आई डेफ तो कोई भी आईसी देख करके पहचान जाएंगे? क्या कर रहा है? रिसीवर टेस्ट कर रहा हूँ सर। कैसी रही आईसी क्लास? आज आईसी क्लास सर की क्लास कैसी रही? बेस्ट है, समझ में आई सारी चीज़ सर। ये क्या बनाया आपने? सर सिमेट्रिक डायग्राम। ये डाटा सीट आईसी का बनाया हुआ है, 8952। कैसी रही आईसी क्लास हमारी? सर बढ़िया क्लास है। कैसा रहा देव सर का पढ़ाने करीब? बढ़िया, समझ में आ रही सारी चीज़ें। ओके, क्या कर रहे हो? रिसीवर को ट्रेसिंग कर रहे हैं। ओके, कैसी रही आज की क्लास हमारी? बहुत बढ़िया रही क्लास है, समझ में आ रहा सारा? पूरा समझ में आ गया सर, देव सर की क्लास में पूरा समझ गया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। कैसी रही आज की क्लास हमारी? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा सारा कुछ? समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो कैसी रही आज का हमारा क्लास? देव सर कैसा क्लास रहा? बहुत बेस्ट, सब कुछ समझ में आ रहा है। जेड ऐसा समझाया था सर, कोई भी आईसी से जो छोड़ दियो या भी पूरे बोर्ड में सर, ऐसा तो नहीं पुराने लेवल का समझाया? ऐसा कुछ नहीं सर, जो न्यू लेवल है वही समझाया, जो आप बोर्डों में अपडेटेड चल रहा है। कोई भी आईडी हो मैं कभी भी किसी भी टाइम पता कर सकता हूं। ओके, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं भैया? सर ट्रैक रिसीव का ट्रैक चेक करो सर। आईसी क्लास कैसी रही आज हमारी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या बना रहे हो? स्कीमेटिक बना रहे हैं। ये क्या है, डाटा सीट है आईसी का? हाँ, कैसी रहा आज? कोई भी आईसी को पढ़ना, उससे देखना, उसको पहचान आ जाएगी? आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, आ जाएगी। कैसा रहा ऑलमोस्ट आज की क्लास? ये क्या बनाया आपने पीछे? डाटा बेस, डाटा सीट आईसी का। कौन सी आईसी है? रिसीवर ट्रेस कर रहे हैं। आईसी कौन सी है? पावर है, मेन पावर है, सब पावर है? ओके, कैसी रही आईसी आइडेंटिफाई क्लास? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही? हाँ सर। देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? बहुत बढ़िया सर, एकदम जोरदार। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ। ट्रेस कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। ये क्या बनाया आपने? ड्रैगन बनाया सर। डाटा सीट आईसी का, आईसी को पढ़ लेंगे? कोई भी आईसी होगी? हाँ सर। एंटी वाइज, न्यूमेरिकल, कोई भी सर। एंटी क्लॉक वाइज देख के बता देंगे, देख के बता देंगे, पढ़ लेंगे उसको। हाँ सर।
काहे की क्लास थी आज हमारी? किस चीज की थी सर? ट्रेसिंग की। आईसी की क्लास थी आज, आईसी आइडेंटिफाई। आईसी कोई भी आईसी इस बोर्ड में, जो भी जितनी आईसी लगे, ऑडियो आईसी है कि नेटवर्क आईसी है कि कौन सी आईसी, पहचान जाओगे देख करके? 100% पहचान। क्या कर रहे हैं भैया? सर ईयर स्पीकर का ट्रेसिंग कर रहा है। तो ओवरऑल कैसी अच्छी क्लास है जो सर का पढ़ाने करेंगे? बहुत बढ़िया सर। पुराना तो नहीं बताया? नहीं नहीं सर, नया बताया एकदम बिल्कुल। जो लेटेस्ट चल रहा है वो बताओ। जी सर एकदम। क्या कर रहे हैं? आईसी निकाल के ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो आज आईसी की क्लास थी, कैसी रही? ऑलमोस्ट अच्छी रही। मीडियाटेक में क्या क्या आईसी होती है, कॉलकॉम में कौन सा पावर होता है, सब कुछ बताया क्या? हाँ सर सब कुछ बताया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये डाटा शीट बना रहे हैं? हाँ जी सर। अब आईसी को देखने का नज़रिया चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल, नज़रिया चेंज हो गया। अगर मान लो अपने पास डायग्राम नहीं है तो भी हम फाइल ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं। अभी तो ट्रेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है बेसिकली। हाँ परसों से आपकी क्लास ट्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले ही बहुत सी जानकारी दे दी। ओके ओके चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? बस ट्रेसिंग करके डायग्राम बना रहे हैं सर। चलिए ठीक है, बनाइए। ठीक है बनाइए। कैसी रही आज हमारी आईसी क्लास? बहुत बढ़िया रही। समझ में आ रहा है जो सर ने पढ़ाया वो एक्चुअल मिल रहा है? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या बना रहे हैं? डाटा शीट। डाटा शीट तो आईसी को पढ़ना आ जाएगा? हाँ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो आज इनकी आईसी की क्लास थी, जैसा कि आपने देखा। मैं भी आपको नंबर दिलवा रहा हूँ, जो पूछ रहे हैं कि सर डिटेल डिटेल, तो मैं भी आपको एक नंबर दिलवा रहा हूँ। नंबर आप उस नंबर पे कॉल करिए और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। दीपक सर नंबर बताइए एमडी सर का। एमडी सर का नंबर है 7000। आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, डिटेल दीजिए, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है 7000 7311 92। एक बार फिर से रिपीट करिए, 7000 7311 92। आप इस नंबर पे कॉल करके एमडी सर से बात कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिए, एमडी सर को कॉल लगाइए और आपको सारी फीस की डिटेलिंग, क्लास की टाइमिंग, सब कुछ आपको बता दिया है ना। और दोपहर में क्लास किनके साथ थी आपकी? सदेव सर के साथ। देव सर के साथ क्या बताया उन्होंने आपको? सर उन्होंने आईसी की आइडेंटिफिकेशन करवाई। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि सैमसंग में आपको अगर सैमसंग का मैं ज़ाइनोक सीपीयू लगाया तो आईसी कौन कौन सी होगी, आप 70-80% बता सकते हैं आप? यस सर बता। क्या आपकी कौन सी आईसी लगी होगी? डीसी टू डीसी आईसी कौन सी होगी? आपकी आरएफ आईसी कौन सी होगी? आपके लाइट का आईसी कौन सा होगा, आप बता सकते हो? सर सब बता सकते हैं। बता सकते हो? यस सर। पीएफओ कौन से लगे होंगे, कितने लगे होंगे, आप बता सकते हो? यस सर। है ना, अगर कॉलकॉम का सीपीयू है तो एमएसएम सीपीयू तो कौन सा आपका पीएम होगा, पीएमआई होगा, आप बता सकते हैं? सर सब बता सकते हैं। है ना जी सर। और अगर उसके अंदर ही कॉलकॉम में अगर एसएम सीपीयू लगा होगा आपका तो आप बता सकते हैं? आपको जो आपको बताना नहीं है पर बाकी बता सकते हैं? सब बता सकते हैं, सब नॉलेज है। आप पीसी भी देखने का नजरिया बदला कि नहीं आपका? सर बिल्कुल बदल गया, अब देखते से ही सब चीजें पहचान में आती है। पहले क्या थी सर? पहले पीसी भी देखते पागल हो जाते, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। अब पूरा सर्किट टोटली समझ आ गया। चार्जिंग का फॉल्ट आया तो सीधे गूगल करना पड़ता था कि चार्जिंग की आईसी कौन सी है। सर है ना जी सर। अभी सारी चीजें क्लियर हुई आपकी? सब क्लियर हो गया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है इमरान मोहम्मद फैजान। फैजान जी सर, बताइए कैसे कैसी रही क्लास आपकी? सर आज की क्लास बहुत अच्छी रही। अच्छा, दोपहर की क्लास? दोपहर की क्लास भी बहुत अच्छी रही देव सर के साथ। तो आपने उम्मीद करी थी कि ऐसा ये सब कुछ मिलेगा आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब सर इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही मिल गया सर। पहले ऐसा होता था कि मैं काम करता था तो अक्सर कुछ फ़ोन वापसी देने पड़ते थे जिसमें मुझे गूगल से या यूट्यूब से देखना पड़ता था, कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे। और आज दोपहर में क्लास थी आपकी देव सर के साथ आईसी आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन अब किसी भी देखने का नजरिया बदला कि नहीं आपका? पूरा बदल गया सर, बदल गया। एक्स वाई जेड इतना डाटा, इतना कनेक्शन, कोई इतना एक्सपीरियंस कोई ढोल दे सकता है क्या इसमें? नहीं सर इतनी जल्दी कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है ऐसा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट वाला है ना, जो जो जिसके पास नॉलेज है वही दे सकता है बंदा, है ना? ये एक्सपीरियंस बोलता है भाई। जी सर। है ना, ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सलाम अलैकुम। मेरा नाम है परवेज अहमद सूफी, मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मैं एशिया टेलीकॉम में अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सुबह क्लास में हमने 4G पावर आईसी निकाला, वो भी चलते हुए फ़ोन का, फिर उसको फिर से लगाया तो चल गया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हमारे साथ देवरतन सर की क्लास थी, उसने आईसी आइडेंटिफिकेशन बता दिया,
अभी हम 80% ICs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसा ही नहीं कि आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें जो डाटाबेस है जैसे कि पैड्स वगैरह लगे हैं, पैड्स का भी नंबरिंग वगैरह सिखा दिया सर ने। उसके बाद हम लैब में आ गए, लैब में तो तब से अभी तक हम वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें जो भी है। और अभी हम सर आपने अभी समझाया कि ट्रैक ट्रेसिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आज हमारा ये आईडियो सेक्शन हो गया, वो उसमें ट्रैक ट्रेसिंग आपने आपको तो जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको डेमो दिया है, मैंने आपको खाली फॉर एग्जांपल दिया, आपका ऑडियो सेक्शन तो अभी बाकी है, बाकी है कुछ भी नहीं दिया मैंने, मैंने खाली आपको ट्रेस कराया है, मैंने कंप्लीट हो गया आईसी ट्रेस करवाया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया अभी मैंने आपको, नहीं बाकी सब आ गया सर। हाँ, मैंने खाली ट्रेस करवाया, आपको भी कुछ भी नहीं दिया सर, रिसीवर पढ़ाएंगे आप बिल्कुल सर, है ना, पूरा बताएंगे, एक्स वाई जेड डबल से बताएंगे आपको जी, जी। मैंने खाली एक डेमो के तौर पे कि ट्रेसिंग कैसी की जाती है इसके तौर पे आपको मैंने रिसीवर बताया, रिसीवर की ट्रेसिंग करी, आपने रिसीवर की ट्रेसिंग करी कि नहीं करी, बिल्कुल सर, आपने किसी की कोडिंग करी कि नहीं करी, आपने एक एक पेड को पढ़ा, आपने एक एक पेड की नंबरिंग करी आपने सर। अभी नजरिया बदल गया, इससे पहले जो हमारे वहाँ जैक बदलता था मैं समझता था ये बड़ा इंजीनियर है, यहाँ तो वो वैसा कुछ सिखाते नहीं है, कुछ अलग ही एलियम है, लेकिन जो अच्छा है मतलब जो मेन काम है वही यहाँ पे सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से सिखा। आपने रिसीवर का एंडलेस देखा ना, इसके ऊपर कुछ है क्या, इसके बाद कुछ है क्या, ए टू जेड मतलब बेस से लेके टॉप तक जो भी इसमें ट्रैक हो रहा है, मतलब जो भी आता है उसमें सारा पाथ हमने ट्रैक कर दिया, अब ट्रेस कर सकते हैं अच्छे से, फॉल्ट जो भी आएगा ये कोई मसला ही नहीं है। आपको ये मालूम पड़ गया कि मेरा सर्किट अगर शॉर्ट है तो कौन से कंपोनेंट इसके लिए जवाबदार है? जी जी बहुत बहुत अच्छे ट्रिक्स, मेरा कौन सा कंपोनेंट जवाबदार है, हमारे हाथ में अब जादू है, ट्रिक्स मिल गई है हमारे, तो निकाल सकते हैं अच्छे से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए सर। आज के स्पीड में बहुत आपकी तीन इनिंग हुई है। यस सर, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, और एक नून में, और एक इवनिंग में, है ना, तीन ही इनिंग, बताइए कैसा अनुभव? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा, सुबह हम सबसे पहले चालू सेट का सीपीयू निकाल के लगाए, पावर आईसी निकाल के लगाए और फिर दोबारा चालू किए, इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करेंगे इतना और इतना जल्दी, ये रिपेयरिंग सीखने यहाँ आए थे लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी। और दोपहर में देवरत्न सर ने इतना अच्छे तरीके से आईसी को पढ़ना बताया, आईसीओ के बारे में 80% आईसी तो हम देख, अभी तो हमको ये नहीं पता था कि ये आईसी क्या है, अब हम आईसी देख के बता देंगे ये काम क्या कर रही है, कौन सी आईसी और क्या काम कर रही है। थ्री के बोर्ड में हम रिसीवर ट्रेस कर रहे थे तो आपने क्या बोला कि सर यहाँ तो पीएम होगी या डब्ल्यूसीडी आईसी, सीधे सर आपने सीधे बोला ना। यस सर, मैंने आपसे पूछा भी और आपने आपने उसका आंसर भी दिया। यस सर, है ना, तो हमारा नजरिया बदला ना, हमको देखने का समझने का शक्ति बढ़ी ना हमारी। अब कोई भी फॉल्ट, अभी कोई भी फॉल्ट आता तो ये पकड़ लेंगे किस आईसी से होगा, किस लाइन से लाइन कहाँ जाएगी कैसे, और वहाँ वो कौन से उसमें कैपेसिटर या कुछ भी लगा कॉइल वगैरह तो कौन से वो क्या काम कर रही है और कहाँ तक जाएंगी, ये सब एक बार में देख के बता। आपने आईसीयू की कोडिंग करी है? यस सर, कोडिंग करी है आपने, एक पेड को पढ़ के आपने नंबरिंग करी है उसकी? यस सर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने, एक बार में बन गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। मेरा नाम हिमांशु है। हाँ, मैं यूपी से हूँ। हाँ, आज सर ने बताया सुबह जियो का फ़ोन का लाइव, हमने पावर आईसी निकाला, फिर उसके बाद रिबॉल किया, उसके बाद फिर दोबारा डाला और दोबारा फिर फ़ोन ऑन हो गया, और यहाँ पे अगर ये बताओ मेरे को कि अगर दो घंटे की आपकी क्लास है ना, 9:30 बजे से दिया और 11 बजे सबका डन हो गया, तो हमारी टेक्निक पे दम था, इसलिए हो गया ना सारे स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट ऐसा बचा है क्या? हमारी टेक्निक पे दम था ना, स्किल में दम था, हम सिखाने पे बिलीव करते हैं, करने पे बिलीव नहीं करते, हम सिखाने पे बिलीव करते हैं। वो तो एक घंटे के अंदर ही गया था सर, उसके बाद दोबारा हमसे बोला गया कि दोबारा निकाल के लगाओ, फिर तिबारा दो तीन बार निकाल के लगाया लेकिन कभी डेड नहीं हुआ, एक बार में ऑन हो गया। और सीरीज कैसे आज इसके बारे में बताएगा, नोट फोर क्या जो है रिसीवर के बारे में, किसकी सप्लाई कहाँ जाती है, कैसे आती है, कैसे ट्रेस करते हैं, कहाँ कहाँ बीच में कौन कौन से कंपोनेंट डायोड कॉल्स कॉइल्स आते हैं, सारे इसके बारे में डीपली जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्मण जायसवाल, मैं यूपी से हूँ। हाँ जी सर, आज मॉर्निंग की क्लास में हमने 4G पावर आईसी लगाई है, ऑन मोबाइल से निकाल के दोबारा रिवोल्व करके उसे लगाई है, वो मोबाइल एक ही बार में ऑन हो गया। इसके बाद सर हमारी देवरत्न सर के साथ आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, इसमें उन्होंने पूरी आईसीओ को हमें विथ डायग्राम विथ प्रैक्टिकल बताया कि ये कैसे ट्रेस की जाती है और कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी आईसी मिलती हैं, किस किस क्वालकॉम का या सैमसंग का जो भी आईसी होता है वो सारे आइडेंटिफिकेशन बताया सर। आप सीपीयू से कोई सी भी आईसी आप सीपीयू देख के बता सकते हैं? हाँ सर, सारी आईसी बता सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मोहम्मद दिल्ली से। जी जी यार बोलिए।
सर बहुत बढ़िया हुआ क्लास आज, अब मैंने पूरा लाइव सीपीयू निकाल के दोबारा डाला वन फोन में से और डन हो गया। सेकंड टाइम सर जब तक नहीं हुआ तब तक सर दोबारा मुझे कराते रहा, सेकंड टाइम में मेरा फ़ोन ऑन हो गया और सारे आईसी में देख के बता सकता, कोडिंग सारे ने सर ने सब बता दिया कौन सा आईसी में क्या कोड होने से क्या होता है, कौन सा सीपीयू होता है, कौन सा रैम होता है, सारे पता लग जाता। अच्छा रिसीवर बात करें, अभी रिसीवर की ट्रेसिंग करें। हाँ सर पता, आपने खुद यहाँ टेबल पे बैठ के हेडसेट पे बैठ के आपने खुद ने की ना। हाँ सर, सारे स्टूडेंट ने आपको फॉलो करा, आपने खुद ने की ना। हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मुस्तफा, आगे आइए। जी सर जी बताइए मुस्तफा। सर आज की क्लास जो थी सुबह की वो हमने जियो फोन का आई सी निकाल, जियो फोन कौन सा था, 4G होता कि 2G? 4G जियो फोन की आई सी निकाल के वापस को रिवॉल्व करके चालू फोन से वापस को निकाल के वापस को रिवॉल्व करके वापस को बोर्ड में लगा के दोबारा फ़ोन को ऑन किया तो फ़ोन ऑन ही था। और जो सर में क्लास किसकी थी आपकी? सर दोपहर में क्लास देव सर की थी। देव सर मतलब आई सी की हर एक एक चीज़ के बारे में, कौन से आई सी को कैसे पहचानना है, उसकी कोडिंग कैसे करना है, वो किस चीज़ की आई सी है, ये सब आज देवरतन सर ने बताई। और देव सर ने आज एक बात और अच्छी बोली कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 2 साल अगर सोच रहे कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके मैं को आगे दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर जो ऐसा सोचता है कि जिसको 2 साल में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा एशिया टेलीकॉम है, वो दोबारा उसके आगे कभी सोचेगा नहीं कि मेरे को कुछ काम चेंज करना है करके। अगर कोई 10 साल वाला अगर ये आपका वीडियो देख रहा है, वो 10 साल में भी 10 साल या 15 साल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं जी, वो आपके बराबर है कि आपसे आगे है, बताओ मेरे को। बराबर है सर, बराबर है ना, बराबर। नॉलेज उनको भी नहीं है और नॉलेज तुमको भी नहीं था, तुमको भी नहीं था। अभी 3 दिन का, 3 दिन में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर 3 दिन में ये एक्सपीरियंस रहा कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब अब मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कि धीरे धीरे सब सीखते जा रहे हैं और सब होते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम बताइए। मेरा नाम सकल देव, कौन बिहार से हूँ। सकल देव बिहार से? जी सर। देख रहे हैं भाई, पहले तो सर बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक बार आ जाए, पहले तो यहाँ सुबह की क्लास में हुआ था क्या, पहले सब टेक्नीशियन सोचते कि मोबाइल डेड आए तो क्या करेंगे, यहाँ तो यहाँ के टीचरों ने पहले डेड करवा के फिर से चालू करवा दिया, वो भी चालू फोन में। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अच्छा बताइए फिर दोपहर की क्लास किसके साथ थी आपकी? दोपहर की क्लास देव सर के साथ थी। देव सर ने इस तरीके से बताया, ऐसे कि सिर्फ पीसी भी देख के बता सकते ऐसी कौन सी लगी हुई, सारी चीज़ समझ में ही एक बार आपने उसी का प्रैक्टिकल कराया। यस सर, है ना, ट्रेसिंग भी किया आपने। यस सर, सब समझ में आया बहुत, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं यूपी से हूँ। आज सुबह सर जियो फोन जो ऑन था उसको हम लोगों ने उसकी पावर आईसी निकाली, उसको रिवॉल्विंग की, फिर से लगाई, सेट ऑन हुआ, वो भी वन टाइम में, ऐसा नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा सर ने ट्रिक बताया कि वन टाइम में वो फिनिश हो गया, दोबारा उस पर करना ही नहीं पड़ा। फिर दोपहर में हमारी देव सर के साथ जो क्लास थी उसमें जितनी भी आईसी होती हैं उनके साथ कौन सी आईसी लगी होती है इन्होंने बताया है। ओके, शाम को फिर प्रैक्टिकल हुआ है जिसमें सर ने बताया कैसे हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, कोई भी कॉम्पोनेंट्स है वो कहाँ एंडिंग उसकी कहाँ तक होती है वहाँ तक सर ने हमें बताया है। सारी चीज एंडलेस हो रही है आपके? जी सर, एंडलेस। आप आईसी की कोडिंग कर रहे हो? यस सर। स्कीमेटिक बना रहे हो? यस सर, है ना, वो आप खुद से बना रहे हो कि हम कुछ आपको वो दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? बताइए आप, थोड़ा बताते हैं उसके बाद हम लोग उससे धीरे धीरे आगे सीखते रहते हैं। प्रोटोकॉल तो देना होगा ना जब आप काम करोगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जनाब सर। जी बताइए। सर आज जिंदा फोन से जिंदा आईसी निकाला और उसको रिवॉल्व करके वापस लगा दिया और एक ही बार में चालू हो गया सर कंप्लीट। कैसा लगे आप? बहुत बढ़िया सर, पहली बार निकाला था, पहली बार में ही चालू कर दिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक टाइम में आप आईसी को निकाले और सर इतना जोर से, इतना सर अच्छे से सिखा रहे हैं तो फिर हो ही जाएगा ना। सही। अच्छा मैं अगर आपसे मैं पूछूं आपको इस मोबाइल के फील्ड में कितने साल से? सर मेरे को तो अभी 2-3 महीने ही हुआ है। 2-3 महीने बाद? 2-3 महीने के अंदर आपने कोई आईसी का काम किया था क्या? ना सर, आईसी किसे कहते हैं सही से वो भी पता नहीं था। तो अभी 3 दिन का ही आप 2-3 महीने से आप इस फील्ड में और 3 दिन में ही किसी 4G फोन का पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके आप वन टाइम में ऑन करना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर इधर के टीचर जो है ना बहुत पॉसिबल है सर। हाँ सर पॉसिबल है, ऐसी ट्रिक बताई जाती है कि आदमी एक ही बार में सर चालू हो जाता है सब हो जाता है। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, अगर आपको देख के कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो? एशिया टेलीकॉम इज बेस्ट, बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ दोपहर की क्लास जो आपकी देव करके साथ में हुई है, तो अब मैं अगर कोई सा भी सीपीयू उठा के दे दूँ, चाहे स्पेक्ट्रम हो या फिर मीडिया टेक हो या फिर क्वालकॉम हो या एसके हाइनिक्स हो, मतलब सॉरी या फिर साइनोक्स हो, तो आपको दे देंगे अगर आपको कि बोल दूँ उसमें पावर कौन सा है तो आप बता पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल सर, देखिए सब बता देंगे सर, पहले तो पता ही ना था आईसी किसे कहते हैं सही से, अब सर पता चल जाता है पावर आईसी किसे कहते हैं,
CPU किसे कहते हैं सर, मेन पावर IC कौन सा है, सब पता चल जाएगा। लोग जो WTR चिल्लाते हैं, आपको पता चला WTR क्या है? सर हाँ सर पता चल गया सर। पता चला? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम हुजैफ अली, बूंदी राजस्थान से हूँ। सर आज पहली बार मेरे को 6 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करता ही नहीं रहा। आज पहली बार IC रिबोलिंग करी, पावर IC, और फिर जो ICO की जो पहचान बताई। रिबोलिंग करी आज? हाँ, मोबाइल चालू नहीं किया? मोबाइल चालू किया ना सर, चालू मोबाइल की IC निकाल के वापस लगा के। उस फोन में पहले प्रॉब्लम क्या था ये बताइए? वो लोगों पे अटक रहा था सर। अच्छा। जियो के आगे नहीं बढ़ रहा था, और वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई मेरी। अब वो कस्टमर भी खुश होगा अगर देख रहा होगा। अभी फिर दोपहर में क्लास थी आपकी देव सर के साथ? हाँ सर, बहुत अच्छी रही। आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन की है ना, वो भी पहली बार ही सब ICO के नाम वगैरह सब पता चला। जियो का चालू फोन था, वैसे IC निकाल के और फर्स्ट टाइम पावर IC निकाल के और फर्स्ट टाइम ही लगाया और चालू हो गया सर। उसके बाद में फिर देव सर के साथ क्लास थी IC आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें से 80% सर हम लोग ने IC पूरा पहचानने में हो गया। और उसके बाद रात में आपकी क्या क्लास थी? रात में सर प्रैक्टिकल था, वो MI Note 4 का पूरा बॉल बनाए, 12x12 144 बॉल, उसमें से रिसीवर में से देखना था कि कहाँ से आ रहे हो पहले IC एकदम हैंडलेस तक का। जी सर। हाँ सर, आज इतना अच्छा लगा, आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मन नहीं कर रहा कि अभी चले जाए, अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है। 2 दिन तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, पर आज बहुत मजा है, आज एकदम से अच्छा लगा। कल क्या करने वाले हैं? कल सर CPU निकालने वाले हैं, CPU वापस से निकाल के रिबोलिंग करके वापस रिबोलिंग करके लगाएंगे। जनता को बताओगे आप? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आप यहीं पे रहिएगा। आपका नाम बता दीजिए। वफा खान। कहाँ से हो आप? मुंबई से। हाँ, यही आप दर्शकों को बताएंगे आप? जी सर, जी सर, जी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं यूपी से हूँ। बोलिए सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, पहली बार मैंने किसी फोन से ऑन फोन से IC लगाई है निकाल के रिबोल कर। अच्छा, कितनी बार लगी? सर मैंने दूसरी बार लगाई है सर। दूसरी बार लगी? हाँ। टेक्निक कैसी मिली आपको? सर टेक्निक बहुत अच्छी है यहाँ पे। और आज आइडेंटिफिकेशन की भी क्लास की सर? देव सर के साथ बहुत अच्छी रही है सर क्लास हमारी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। जी सर, सुबह में पावर IC निकल के रिबोलिंग करी, फर्स्ट टाइम तो डाला तो पास नहीं हो पाया, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया था, कभी किया ही नहीं था। सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम में ट्राई किया तो नहीं हो पाया, क्योंकि कभी तो भी ट्राई नहीं किए थे, हॉट वन तो कभी भी नहीं किए थे, तो एक्सपीरियंस नहीं था उतना। तो फिर सेकंड टाइम सर आके बताया कि ऐसे करके ऐसे करना चाहिए, तो हो सकता है एक बार में ही, तो हमने ट्राई की, उसे हो गया सर। हो गया आप? जी सर। आप सच बता रहे? हाँ सर, सच बता रहे सर। आपका वीडियो भी बना है इसका? कोई नहीं सर, वीडियो है तो सर बना है ना? बना है सर, बना है सर। हाँ सर ने लिया ना वीडियो। हाँ सर, लाइव हैंडसेट चालू करके बताया। जी सर, जी सर। और उसके बाद दोपहर? उसके बाद उधर थ्योरी का क्लास हुआ IC आइडेंटिफिकेशन का, कि कौन सा IC लगा हुआ है तो उसका क्या काम रहता है और कहाँ से लगा रहता है, ये सब बताया सर ने, देवरतन सर ने। फिर उसके बाद अभी प्रैक्टिकल किए, उसी पे रिसीवर के बताया गया लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से आती है। हाँ सर, हाँ सर। किसी चीज़ का स्केमेटिक बना सकते हो तो फिर आपको उसको रिपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अभी कॉपी में पड़ा हुआ है सर, खुद से बनाया है। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो किस लेवल पे आपका अभी सर? क्या सर ना, पहले तो कुछ पता ही नहीं था सर ना, अभी तो लग रहा है सर, अभी फ़ोन मेरे पास मिल जाएगा तो अभी रिसीवर का सब कम्प्लीट कर सकते हैं अभी। आज सर सुबह बाहर IC वगैरह निकाल के चालू बोर्ड की उसमें लगाई और मोबाइल ऑन। और उसके बाद देव सर के साथ थ्योरी थी। तो सारी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गए सर सारी चीज़ें। अब आप कोई से भी बोर्ड को देख के बता सकते हो आपके बाकी IC कौन सी है से? हाँ सर। आप एक CPU को पढ़ के बता सकते हो बाकी IC कौन सी होगी? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, महाराजगंज से। सर मेरा नाम अर्जुन साली है, मैं महाराजगंज UP से हूँ। मैंने जिंदगी में आज पहली बार आप कब से काम कर रहे हैं इस मोबाइल के फील्ड में? कब से? मैं मेरे को हो गया करीब मान के चलिए 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गए? जी सर। मोबाइल का काम मैंने छोड़ दिया था, फिर से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। आपका वीडियो देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए, यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है। जी सर। तो
वो जो से ज़्यादा मिल रहा है सर। मैंने आज पहली बार अगर किसी भी टेक्नीशियन को अगर चालू फोन दे दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि तुम इसका पावर आईसी निकाल के फिर से वापस लगा के इसको चालू कर दो, वो नहीं कर पाएगा। पहली बार आईसी पे काम कर रहा होगा तो है ना, नहीं यार वो 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास हो और वो आईसी पे काम नहीं किया हो तो अगर उसको हम आईसी का काम दे दे तो वो एक बार में चालू करके नहीं दे पाएगा। हालांकि आप आईसी पे कभी काम नहीं किए थे, आप तीसरे दिन में ही आप लाइव पावर तीसरे दिन में लाइव फोन का पावर आईसी निकाल के उसको फिर से वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से उसको रिवॉल्व करके फिर से वापस है उसको फिक्स करके ऑन किया सर। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने बार में आपने फोन को ऑन किया है? मैंने एक बार में ऑन किया सर, वन टाइम में ऑन किया सर। चलिए ठीक है। और ओवरऑल आपकी क्लास दोपहर में देव सर के साथ थी? देव सर के उन्होंने ऐसा ट्रिक बताया कि मुझे मालूम नहीं था कि फोन में कौन सी है सीपीयू के साथ कौन सा आईसी है कौन सा पावर आईसी है, कॉम्बिनेशन कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस टाइम मैं कोई सीपीयू लगा हो किसी भी फ़ोन का उसके साथ कौन सी आईसी लगी है उसके साथ कौन सी कम्युनिकेशन है कौन सी पीएम है कौन सी पीएमआई है सारा सर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। उसी का प्रैक्टिकल कराया आपको? जी सर प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल में आपको ट्रेसिंग समझ में आई? आप ट्रेसिंग सर एक दिन में कितने काम हो गए आपको? बहुत काम हुआ सर। एक में आपने 4G आईसी निकाल के भी लगा ली, 4G आईसी निकाल के लगा ली, आईसी आईडेंटिफाई कर लिया, आईसी के नीचे जो बॉल जो पैड होते हैं उसको नंबरिंग कोडिंग करना वो क्लियर हो गया मेरा, ट्रैक ट्रेसिंग क्लियर हो गया कैसे करना है फोन का। तो ये सारा एक दिन में संभव है क्या? नहीं ऐसा कर काम में सर संभव है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है उधर कौन बचा भाई? जी बताइए। रोहन कुमार झारखंड से बोलो भाई। आज जियो फोन पे पावर एसी को निकाला और लगाया लाइव वन टाइम में डन करा आपने? यस। टेक्निक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। बच्चा भी कर सकता है इसके अंदर? अगर वो सीखे तो कर सकता है। अगर चाय बनाने वाले को अगर सिखाऊंगा तो वो भी सीख सकता है। ये सही बोल रहा हूँ भाई मैं? अगर चाय बनाने वाले को भी बुला लूँ तो लगा सकता है ऐसी निकाल के? ट्रिक बहुत बढ़िया सर, ट्रिक बहुत बढ़िया सर। चलिए। और दोपहर में किसकी क्लास थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी आपकी? आईसी आइडेंटिफिकेशन की थी और उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया कि MTK आईसी कॉल काम। दुनिया का कोई सा भी सीपीयू हो अगर वो आपके सामने रखा है तो आप दूसरी आईसी बता सकते हो कि कौन सी लगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जी बताइए। सर सारा चीज़ अच्छे से सिखाया जा रहा है और सारा चीज अच्छे से समझ आया जा रहा है। आज तो सर आईसी रीडिंग करना भी आ गया। अच्छा। हाँ, और आईसी पहले सर पहचान नहीं आता था कि कौन कौन सा आईसी है, यूट्यूब में देखना पड़ता था या नेट में देखना पड़ता था। आज सारा चीज़ आ गया सर, सारी चीज़ आ गई। वो बात करें ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग तो सर आपका जो टेक्निक था वो एक बार में समझ आ गया, पूरा दिमाग में आ गया। हाँ, कोई सा भी ट्रैक हो, कोई सी भी पीसीबी हो, आप ट्रेस कर सकते हैं आपको एंड तक, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा एंडलेस। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जी बताइए। अनिलेश महाराष्ट्र से। अनिलेश, आज सुबह जियो का चालू मोबाइल का पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके फिर बिठाया, मोबाइल चालू हो गया और फिर देवरत्न सर के साथ दोपहर में क्लास। आज दोपहर देवरत्न सर के साथ क्लास हुई दोपहर में, उन्होंने आईसी आइडेंटिफिकेशन सिखाया, वो इतना बढ़िया तरीके से सिखाया कि हमारे पास स्कीमेटिक भी नहीं हो तब भी हम पहचान सकते हैं। तो पहचान सकते हो, आइडेंटी कर सकते हो कि आपकी 80% पहचान से आईसी लगा? 80% पहचान। चलिए ठीक है। और शाम को भी प्रैक्टिकल हुआ आपका? जी सर। प्रैक्टिकल में क्या हुआ? प्रैक्टिकल में हमारी ट्रेसिंग हुई। हाँ, ट्रेसिंग इतनी बढ़िया तरीके से हुई कि अभी कौन सा भी मोबाइल आए, कौन सा भी सेक्शन हो, वो हम ट्रेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जी बताइए, नाम बताइए अपना। गुड्डू कुमार। कहाँ से गुड्डू भाई? यूपी से। यूपी से? जी सर। गुड्डू, यूपी की जनता देख रही है आपको? जी सर। कैसा दिन रहा आज आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया नॉलेज मिलता है एशिया टेलीकॉम से। और जियो का एक चालू सेट पावर आईसी लगाए हैं निकाल के बंद कर। पूरा डन हुआ आपसे? पूरा डन हो गया। फिर मैं क्लास किसके साथ थी? देव सर। जी सर। आइडेंटिफिकेशन थी आपकी आईसी की, है ना? जी। तो उसके अंदर सारी चीज़ आपकी डन हुई? सारी चीज़ नॉलेज मिला है, हर आईसी को पहचानने का नॉलेज मिला है। और पढ़ाने का तरीका कैसा सर? बहुत बढ़िया सर जी का नॉलेज। कोई यूट्यूब वाला ज्ञान मिला क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है। और अभी शाम में क्या किया आपने प्रैक्टिकल में? शाम में वही आकर बोर्ड का जो थ्योरी हुआ उसका प्रैक्टिकल किया है ना?
जो आपको सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल हुआ आपको? ट्रेसिंग भी बताया आपने, ट्रेसिंग करा? आपने आईसी का स्कीमेटिक बनाया? बनाया सर। आपकी कॉपी में है? है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।